أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My name is Muhammad Suleiman Saleem and welcome to our channel Guys, today we will discuss what are MOSFET MOSFET means Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के हमने डायग्राम दिखाई इसके हमारे पास थ्री मीन्स होती है एक हमारे पास गेट दूसरी ड्रेन और थर्ड वाले सोर्स इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल देखो तो वाटर टैंक वाटर पाइप होता है उसमें हमारे पास वाटर वाल्व लगा होता है वाटर फ्लो कंट्रोल करवाने के लिए तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास ये जो वाटर का वाल्व है ये क्लोज कंडीशन का तो क्या होगा हमारे पास वाटर ऊपर से आएगा यहाँ तक आएगा लेकिन आगे फ्लो नहीं करेगा तो ये ऑफ कंडीशन में इस तरह होगा और हमारे पास वाटर जो है इसके लिए आगे फ्लो नहीं करेगा जैसे ही इसको वाटर को जैसे ही इसको वाल्व को ऑन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ से वाटर आएगा और यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा सेम इसी तरह जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको ये जो हमारे पास हैंडल लगा हुआ है इसको मूव करने के साथ हम वाटर का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं इसी तरह हम एफटी के अंदर यहाँ पे गेट पे वोल्टेज अप्लाई करके ड्रेन टू सोर्स करंट को कंट्रोल करते हैं अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेट पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा ड्रेन से करंट जाएगा और सोर्स से लीक होगा और यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह हम वाल्व में जो वाटर का वाल्व होता है उसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल गेट है इसको गेट फोर्स कर सकते हैं इसको ड्रेन फोर्स कर सकते हैं और इसको सोर्स तो क्या होता है जैसे गेट को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वाटर फ्लो करता है और इस तरह एफटी या मॉस्फेट के केस के अंदर हम गेट को वोल्टेज अप्लाई करके ड्रेन टू सोर्स करंट को कंट्रोल करते हैं और ये हमारे पास का सिंबल है यहां पर हमारे पास एक गेट की पेयर होती है एक ड्रेन की और एक सोर्स की अब यहां पर आपको दिखाते हैं कि मैंने सर्किट बनाया है यहां पर 12 वोल्ट लाइन के लिए मैंने एलईडी बना दी एलईडी का बल्ब लगा दिया यहां पर नाम मैंने लगाया ट्रांजिस्टर जो मैंने एफटी यहां पर लगाया है मॉस्फेट इसको स्विचिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं स्विचिंग हम किस तरह करेंगे इसके साथ इस तरह से इसको सर्किट में अटैच करेंगे ड्रेन साथ के लिए कनेक्ट करेंगे और दूसरी सोर्स को ग्राउंड कर देंगे ठीक है और यहाँ पे हमने गेट को वोल्टेज प्रोवाइड करके हम इसको बल्ब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं किस तरह करेंगे फॉर एग्जांपल मैंने गेट ऊपर कोई वोल्टेज नहीं दिए यहाँ पे जीरो वोल्ट्स भी है तो क्या होगा हमारे पास ये ट्रांजिस्टर होगा हमारे पास जो मॉस्फेट है ये ऑफ हो जाएगा ऑफ कंडीशन में होगा और ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा फॉर एग्जांपल हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा बीपी यहाँ पे इस तरह से बनेगा यहाँ कुछ है ही यहाँ पे ओपन सर्किट आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि ट्रांजिस्टर हमारे पास मॉस्फेट ऑफ कंडीशन में होगा और फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट कंडीशन में देखो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई की गेट के ऊपर अब मैं गेट के ऊपर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया 5 वोल्ट तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर जो हमारे पास मॉस्फेट है ये ऑन हो जाएगा और होगा क्या इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया कि बल्ब को जब हम ऑन करते हैं तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है इसी तरह जैसे हम यहां पे वोल्ट ये अप्लाई करेंगे गेट के ऊपर तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये जो हमारे पास बल्ब है ये चलना शुरू हो जाएगा ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा तो अगर हम इक्वल सर्किट ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा यानी ये क्लोज्ड पाथ की तरह एक्ट करेगा जब हम इसको ट्रांजिस्टर को गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे देखो मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि यार गेट है ना गेट को आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी एक लिमिट होती है ये नहीं है कि आप जितने मर्जी अपने मर्जी से चाहे मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसकी एक लिमिट होती है उतने वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं Z44 MOSFET की बात करता हूँ तो उसके अंदर हमारे पास जो रेंज होती है गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने की वो होती है हमारे पास 0 to 15 volt maximum mean क्या हम 0 to 15 volt apply कर सकते हैं इसके ऊपर लेकिन जैसे ही हम 15 volt ज़्यादा apply करेंगे gate के ऊपर voltage तो क्या होगा ये हमारा transistor damage होगा ये हमारा transistor जल जाएगा तो इसी तरह जैसे यहाँ पे गेट पर करंट अप्लाई करने की लिमिट है इसी तरह हमारे पास गेट और सोर्स पर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं सॉरी वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी एक लिमिट होती है उसके लिए क्या है अभी मैं IFZ44 की बात कर रहा हूँ तो इसकी जो लिमिट है अप टू 60 वोल्ट यानी कम 60 वोल्ट तक इसके ड्रेन टू सोर्स वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 60 वोल्ट कर लें 50 वोल्ट कर लें 40 वोल्ट कर लें 30 वोल्ट जितने मर्जी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं कोई इशू नहीं है तो इसकी मैक्सिमम जो इसकी रेंज है मतलब 60 वोल्ट के अंदर अंदर तक अप्लाई कर सकते हैं तभी आपका ये ट्रांजिस्टर है जो MOSFET है ये सही वर्क करेगा अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि स्विचिंग के तौर पर काम करता है हम इसको ट्रांजिस्टर को इस तरह से सर्किट में लगा देंगे मैंने छोटी छोटी एलईडी इस तरह लगेंगी सारी ये हमारे पास पैरेलल लगी है तो जैसे इस गेट को मैं वोल्टेज दे के इन एलईडीज को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ जैसे यहाँ मैं 0 वोल्ट अप्लाई करूँगा गेट के ऊपर तो क्या होगी एलईडी सारी ऑफ हो जाएगी जैसे यहाँ मैं वोल्टेज को अप्लाई करूँगा 5 वोल्ट के 10 वोल्ट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा ये क्लोज उसकी तरह काम करेगा जो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर MOSFET है तो ये क्या होगा यहाँ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा ये एलईडीज ग्लो करना शुरू हो जाएगी
और इसी तरह हम इसको मोस्टफेट यूज करके हम बड़े सर्किट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे रिले लगा के ये मैंने लगाया है, एक रेफ्रिजरेटर को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर ये जो मान लो मोस्टफेट लगाया है यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां 0 वोल्ट अप्लाई किया तो क्या होगा, मैंने बताया कि जब 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे ये ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा, या कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां पे कोई फील्ड वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगी, हमारा ये जो स्विच है ओपन रहेगा और ये जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये हमारा बंद रहेगा। जैसे मैं 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे गेट के ऊपर तो क्या होगा, मैंने जैसा बताया कि अगर हम वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है, यहाँ से ये पास क्लोज हो जाता है। जैसे ही पास क्लोज होगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, इसमें से गुजरेगा और ये इधर ग्राउंड में जाएगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये जो मेटल है हमारे स्विच लगा हुआ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स आपस में, ये वाले दो कॉन्टैक्ट्स आपस में मिल जाएंगे और जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ये ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, या हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 या 5 वोल्ट में थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई करके बड़ी अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो मॉस्फेट है ना, आपने देखो तो मैं बड़ यूज कर रहा हूँ, ट्रांजिस्टर बड़ यूज कर रहा हूँ और मॉस्फेट भी बड़ यूज कर रहा हूँ, करंट सोर्स यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है हमारे पास। इसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास में, जो हमारा बीजेटी होता है उसके अंदर हम करंट प्रोवाइड करते हैं बेस के ऊपर, उसके अंदर हमारा होता है एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक मीटर होता है। तो बेस के ऊपर जैसे करंट अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, कलेक्टर और मीटर करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे गेट, इसकी जो पिंस होती है उसको एक कर रहे हैं, गेट ये वाली, ये ड्रेन और ये सोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट और सोर्स के ऊपर, ठीक है ना। वैसे हम गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं वोल्टेज, तो क्या होगा वो ड्रेन टू सोर्स करंट को कंट्रोल करेगा। जहां यहां पे आपने देखा कि मैंने करंट अप्लाई किया उसने यहां से कलेक्टर और मीटर करंट को कंट्रोल किया, यहां पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया और वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से मैं यहां पे ड्रेन टू सोर्स करंट को कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होते हैं इसकी। Hard to breathe, but that's alright. Hush.